गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम क्राफ्ट बनाएंगे। 25 दिसंबर क्रिसमस डे के अकॉर्डिंग आज हम क्राफ्ट बनाएंगे। तो आज हम क्राफ्ट में क्रिसमस ट्री बनाएंगे। तो क्रिसमस ट्री बनाने के लिए मैंने लिया है एक A4 शीट का कागज़ लिया है ग्रीन कलर का, क्योंकि क्रिसमस ट्री ग्रीन कलर का होता है, इसलिए मैंने A4 साइज़ का ग्रीन कलर का कागज़ लिया है। इसके लिए फिर मैंने सीजर, स्केल, आइसक्रीम स्टिक, पेंसिल, फेविकोल और कुछ सम स्टोन लिए हैं। आपके पास अगर थर्माकोल के छोटे छोटे बॉल्स होंगे तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसे डेकोरेट करने के लिए हम लोगों ने स्टोन लिया है और फिर हम लोग एक सिल्वर कलर का कागज़ लिया। इससे हम लोग स्टार बनाएंगे, क्योंकि क्रिसमस ट्री के ऊपर स्टार होते हैं, तो इससे हम स्टार बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्रिसमस ट्री बनाने के लिए A4 साइज़ का हम कागज़ लिए हैं, तो उसे काटते हैं, क्योंकि हमें क्रिसमस ट्री बनाने के लिए A4 साइज़ के कागज़ का एक स्क्वायर शेप का शेप चाहिए। हमें स्क्वायर शेप बनाना है। सबसे पहले हम स्क्वायर शेप बनाएंगे। तो स्क्वायर शेप बनाने के लिए हमें 15 सेंटीमीटर की लंबाई, 15 सेंटीमीटर की हम चौड़ाई लेते हैं। तो चलिए बच्चों, मैं जैसे नाप रही हूँ आप लोग भी नापिए इसे। तो 15 सेंटीमीटर का हम पहले लंबाई लेते हैं, चौड़ाई लेते हैं, फिर लंबाई लेंगे। तो पहले मैं लंबाई नाप रही हूँ 15 सेंटीमीटर का। देखिए ये स्केल से 0 से यहाँ लेकर नीचे तक 15 सेंटीमीटर तक हम लंबाई लेंगे। तो देखिए आपको यहाँ कैमरा में दिख रहा होगा 15 सेंटीमीटर हमारा ये आ रहा है यहाँ से। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लंबाई लेंगे, ये हमारा 15 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ से भी लेकर नीचे से हम यहाँ पे 15 सेंटीमीटर खींच लेते हैं, मार्क कर लेते हैं इस तरह से। ये हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर की लंबाई। ऊपर से भी एक बार हम नाप लेते हैं 15 सेंटीमीटर। इससे इजी हो जाएगा, इससे गलत शेप नहीं आएगा स्क्वायर का। कर लेते हैं, अब इसको हम मिला देते हैं। तो ये हम बॉक्स हमारा बन गया है 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर का। इसे हम कट करते हैं। तो कट करने के लिए हम लोगों ने सीजर लिया है, आप भी सीजर लीजिए और इसको हम कट करते हैं। कट करके इसको हम निकालते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारे A4 साइज़ का 15 सेंटीमीटर लंबाई, 15 सेंटीमीटर चौड़ाई का हमारा A4 साइज़ का स्क्वायर शेप का मैंने कागज़ काट लिया है। अब इसे हम फोल्ड करते हैं। जो बचा हुआ कागज़ है इसे हम हटा देते हैं। अब हमको इसके क्रिसमस ट्री बनाना था। क्रिसमस ट्री बनाने के लिए इसे हम फोल्ड करते हैं। तो देखिए कैसे मैं जैसे कर रही हूँ वैसे आप भी कीजिएगा। तो देखिए इसको हम एक त्रिकोण बनाते हुए इस तरह से इसे हम फोल्ड करते हुए इस तरह से इसे हम मोड़ेंगे। इसे हम एक कोन की तरह बना लेंगे। ये देखिए मैंने इसे 2 सेकंड फोल्ड कर दिया इस तरह से तिरछा करके। एक कोना लेंगे किसी भी, या इधर से या तो हम इधर से किसी भी करते हुए एक इस तरह से हम इसको कोन बनाएंगे। कोन बनाते इसे हम फोल्ड करेंगे। इसे मैंने फोल्ड कर दिया है। अब इसको हम कट करेंगे। क्रिसमस ट्री बनाने के लिए इसे मैंने फोल्ड किया है। अब इसको हम कट करेंगे। कट करने के लिए ये जो बीच का कोना है यहाँ से हम ऐसे सीधे कट करेंगे। इस तरह से हम इसे सीधे कट करेंगे ताकि हमारा शेप ऐसे, हम चाहे स्केल से इसे हम लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं कि हमें कितने पे कटना है। तो यहाँ से लेकर एक इस तरह से हम ड्रॉ, इससे ज़्यादा हमें स्पेस में नहीं काटना है। इतने इतने चौड़े के हमें स्पेस काट लेते हैं। इसे हम कट करते हैं। देखिए बच्चे मैं इसे कट कर रही हूँ, आप भी इसे कट कीजिएगा घर पे। बहुत ध्यान से कट कीजिएगा। कट कर समय हमको इसका बहुत ध्यान रखना होगा ताकि गलत कट ना हो। एक साइज का हमें कट चाहिए जिससे इसके लिप्स, जो हम लिप्स बनाए क्रिसमस ट्री का, वो बहुत अच्छे उभर के आने चाहिए। तो इस तरह से ये हमारा कट गया है। देखिए अब इसको हम ओपन करते हैं, इसको हम खोलते हैं। तो इस तरह से देखिए ये हमारा खुलेगा, ये
ये देखिए ये हमारा कटा हुआ है। अब इसको हम क्रिसमस ट्री इस तरह से हम काट लेंगे, फिर इसको ओपन कर लेंगे। अब इसमें हम यहाँ किनारे किनारे पे जिस तरह से कटे हुए लीफ, इस पर हम फेविकोल लगाएंगे, हल्का हल्का फेविकोल लगाएंगे, दोनों साइड पे लगाएंगे, इस तरह से हम फेविकोल लगाएंगे। इस तरह से हमने फेविकोल लिया, सबसे पहले हम एक साइड का लेफ्ट साइड का उठाएंगे और इसको यहाँ पे सबसे नीचे देखिए कोने में इस तरह से हम इसे पेस्ट करेंगे, इस तरह से इसे हम पेस्ट करेंगे। फिर ये दूसरा लेफ्ट से अगर लेफ्ट साइड का लेंगे तो फिर उसके बाद हम राइट साइड का लेंगे, अगर पहले हमने राइट साइड का लिया तो उसके बाद हम लेफ्ट साइड का लेंगे, इस तरह से इसे हम पेस्ट करेंगे। फिर हम सेकेंड का उठाएंगे, इसी तरह से हमें वन बाई वन इसे लेना है और इसको इस तरह से हमें पेस्ट करना है। देखिए देख रहे हैं बच्चों, इस तरह से इसे हमें उठाकर और इसके ऊपर इसे हमें पेस्ट करना, तो ये इस तरह से बनेगा। देखिए इस तरह से उभरा हुआ ये क्रिसमस ट्री बनेगा, जैसे मेरा बन रहा है। आप लोग भी इसी तरह से घर पे कीजिएगा, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं बच्चों, जैसे मैं कर रही हूँ, आप लोग भी इस तरह से अपने घर पे कीजिएगा। आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। इसको पेस्ट बहुत अच्छी बच्चों इस तरह से पेस्ट कीजिएगा, थोड़ा फेविकोल अच्छे से लगाइएगा ताकि पेस्ट इजीली हो जाए। फेविकोल बहुत ध्यान से लगाइएगा, इसको पेस्ट बहुत ध्यान से कीजिएगा, जिस तरह से मैं कर रही हूँ इस तरह से आप भी अपने घर पे पेस्ट कीजिए। इसको पेस्ट करते जाइएगा, देखिए किस तरह से उभरा हुआ भाग आ रहा है, बहुत प्यारा सा ये हमारा बहुत प्यारा क्रिसमस ट्री बन रहा है। तो इस तरह से आप वन बाय वन करके इसे पेस्ट करते रहेंगे जब तक कि हमारा पूरा एंड ना आ जाए। एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट, इस तरह से करेंगे तो बहुत सुंदर बनेगा हमारा। तो देखिए बच्चों हमारा इतना हो गया है और इसको इसी तरह हम जैसे मैंने कर रहे हैं इसी तरह आप भी कीजिएगा, पूरे वन बाय वन करके सारे लीफ को पेस्ट कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि एक लेफ्ट तो एक राइट, इन्हीं की एक साइड का एक ही साथ दोनों हम कर दें, नहीं पहले एक लेफ्ट फिर एक राइट, इसी तरह से आप लोग कीजिएगा, राइट या पहले राइट या लेफ्ट। तो मैंने सबसे पहले राइट लिया था, अपना राइट लिया था, फिर मैंने लेफ्ट किया है। इस तरह से आप भी अपने घर पे इसे बनाएंगे बहुत सुंदर सा, देखिए कितना सुंदर बन रहा है क्रिसमस ट्री हमारा। सो देखिए बच्चों ये हमारा बन गया क्रिसमस ट्री, कितना सुंदर उभरा हुआ क्रिसमस ट्री आया है। इस तरह से आप अपने घर पे इसे बनाएंगे और इसमें कुछ हम स्टोन्स लगाएंगे। तो देखिए मैंने स्टोन्स लिया, इस पर आप बॉल्स का ही प्रयोग कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कुछ सम्स स्टोन्स लिया, आप यहाँ पे सम्स कह रहे हैं, आप यहाँ कुछ भी लगा सकते हो, चाहे आपके पास फाइबर्स के बॉल हुए तो भी उसे भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। सुंदर दिखेगा इससे हमारा क्रिसमस ट्री बहुत सुंदर दिखेगा। हम क्रिसमस ट्री को हर चीज़ से सजाते हैं, स्टार से सजाते हैं और बहुत ऐसे चीज़ें हो गए जिससे हम अपने क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। तो जैसे देखिए मैं स्टोन्स लगा रही हूँ इसे डेकोरेट करने के लिए, आप भी कुछ भी लगा सकते हो इसे सुंदर बनाने के लिए। यहाँ पे भी हम स्टोन्स का ही प्रयोग करेंगे, देखिए हम स्टोन्स लगा रहे हैं। यहाँ पे हम स्टोन्स लगा रहे हैं, आप भी इस तरह से स्टोन्स लगाइएगा जिससे ये हमारा ये सुंदर दिखे क्रिसमस ट्री। इस तरह से हम स्टोन्स का प्रयोग कर रहे हैं, जहाँ स्पेस हो आप भी स्टोन्स बॉल और भी कुछ कर यहाँ लगा के इसका बना सकते हो बहुत सुंदर सा।
तो देखिए यहाँ पे हमने स्टोन्स का प्रयोग किया है कुछ, आप भी स्टोन लगाएंगे। अब यहाँ ऊपर हम स्टार लगाएंगे, तो स्टार मैंने कहा था सिल्वर क्वाइल का, आप स्टार लीजिए हैं, इस पे हम स्टार बनाएंगे। तो आप भी इस पे स्टार बनाइएगा। इसको स्टार बनाने के लिए हम पेंसिल का यूज़ करेंगे। तो देखिए मैं स्टार बना रही हूँ। नहीं दिख रहा है बच्चों, इधर से हम बनाते हैं स्टार। इस तरह से स्टार बनाएंगे और इसके कट करेंगे। कट करने के लिए हमने सीजर लिया। ये देखिए हमारा स्टार है, इसे हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, क्योंकि क्रिसमस ट्री के ऊपर स्टार होता है। यहाँ पे हम इसे स्टार लगाएंगे, फेविकॉल लेंगे, फेविकॉल लगाएंगे, फिर उसके ऊपर हम इसको स्टार लगाएंगे। अब ये हमारा बन गया क्रिसमस ट्री, क्रिसमस ट्री हमारा बन गया। इसे हम आइसक्रीम स्टिक लिए थे, इसको आइसक्रीम स्टिक पर हम पेस्ट करेंगे। तो इसको हम आइसक्रीम स्टिक पे फेविकॉल पहले लगाएंगे। आइसक्रीम स्टिक पे हमने फेविकॉल लगा दिया है, और फेविकॉल पे ये हम इसको पेस्ट करेंगे। इस तरह से हम इसे आइसक्रीम स्टिक पे पेस्ट करेंगे। ये देखिए हमारा बन गया है क्रिसमस ट्री, कितना सुंदर लग रहा है बच्चों। तो ये हमारा क्रिसमस ट्री बन गया। आप भी अपने घर पे इस तरह से क्रिसमस 25 दिसंबर को क्रिसमस डे पे क्रिसमस ट्री बनाइएगा। तो ये हमारा क्राफ्ट था जो मैंने आपको बता दिया है। इस तरह से आप अपने घर पे क्रिसमस ट्री बनाइएगा। बाय बच्चों, हैप्पी क्रिसमस डे।